नमस्कार दोस्तों, किसान कार्ड को लेकर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में सभी गांवों में एक कैंप के माध्यम से किसानों का यहां पे किसान कार्ड बनाया जाएगा। उनकी जमीन का दोस्तों यहां पे रजिस्ट्री किया जाएगा, उसके बाद उन्हें किसान कार्ड बना के दे दिया जाएगा। किसान कार्ड बनाने से क्या-क्या फायदा होगा, उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ आप लोगों को स्पष्ट बताया हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे किसान कार्ड को बनाने को लेकर एक बहुत बड़ी नोटिस यहाँ पे शासन की तरफ से आ गई है, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव सब कुछ दिखाने वाला हूँ। यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि किसान कार्ड क्या है, ये कितना आवश्यक है सभी के लिए बनवाना दोस्तों, तो आप लोग ये वाला वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ इस नोटिस को आप सभी को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, इस नोटिस में क्या बताया गया है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हम आपको सीधा सीधा लाइव यहाँ पे दिखाते हैं, ताकि आप भी अच्छी तरह से इस मैटर को समझ सकें। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कहा गया है, शासन की मंशा के अनुरूप सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 8/7/2024 से पंचायत भवनों पर किसानों का रजिस्ट्रेशन होना है। ठीक है, जिसके लिए समस्त सचिव 7/7/2024 को, मतलब 7 जुलाई 2024 को ग्राम पंचायत के सभी राजस्व ग्रामों एवं मजरों में डुगडुगी करवा दें, और साथ ही इस आशय का बैनर भी बनवाकर पंचायत भवन पर लगा दे कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यानी क्षमा नहीं की जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमको पता है कि 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में समस्त मतलब यूपी में यहाँ पे किसान कार्ड दोस्तों बनाया जाएगा। ठीक है, अभी चूंकि ये यूपी की पहल है, वर्तमान टाइम में दोस्तों किसान कार्ड केवल यूपी के लोगों का यहाँ पे बनाना तय किया गया है। भविष्य में अन्य स्टेट की भी गवर्नमेंट हो सकता है कि इस योजना को लागू कर दें। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, साफ साफ कह दिया गया है कि 8/7 यानी कि 8 जुलाई से यहाँ पे रजिस्ट्री होना स्टार्ट होगा। 7 जुलाई को ही सभी सचिव को यहाँ पे आदेश किया गया है कि वो लोग अपने अपने ग्राम पंचायतों में डुगडुगी पिटवा दें कि 8 जुलाई से यहाँ पे रजिस्ट्री की जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके लिए भी यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि एक बैनर भी लगवा दें। ठीक है, कि आप लोग बिल्कुल भी मतलब डुगडुगी करवा चुके हैं, अगर आप यहाँ पे लापरवाही करते हैं तो बिल्कुल भी यह क्षमा नहीं की जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके लिए मैं आपको दोस्तों यहीं पे दिखाता हूँ, एक जो मेन नोटिस आई हुई है उसे आप लोग देख लीजिए, इसी में सब कुछ स्पष्ट बताया गया है। अब दोस्तों ये चीज मैं आपको दिखा देता हूं, आप लोग यहाँ पे देखिए, 6 जुलाई की दोस्तों ये नोटिस आई हुई है, इसी में ये सारी चीजें आपकी स्पष्ट की गई हैं, जो मैंने आपको मोटा मोटा सिंपल तरीके से बताने की कोशिश किया। ठीक है, सेम दोस्तों वही मैटर आपका यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नोटिस के माध्यम से बताया गया है दोस्तों, ये जो नोटिस आई हुई है SDM यानी उप जिला अधिकारी की तरफ से यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, सभी दोस्तों यहाँ पे जिलों के लिए इसी टाइप की नोटिस जारी की गई है। यदि आप किसी भी जिले के हैं दोस्तों, तो आपके पास भी यानी कि आपके ग्राम के सचिव के पास भी इसी टाइप की नोटिस पहुंच गई होगी। ठीक है, तो किसान कार्ड दोस्तों बनवाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। रजिस्ट्री जो है वो होना स्टार्ट हो गई है, हमने आपको बताया था कि 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच होना है। ठीक है, अलग अलग जिलों में दोस्तों ये जो डेट है अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे 8 जुलाई से जहां मैं ये नोटिस आई हुई है वहां की बता रहा हूं कि 8 जुलाई से यहाँ पे रजिस्ट्री होना है, ऐसे ही दोस्तों अलग अलग जिलों में अलग अलग डेट को रजिस्ट्री होना है। दोस्तों आपको मोटे तौर पे बता दें यहाँ पे कि किसान कार्ड बनवाना आपके लिए क्यों ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों किसान कार्ड के अंतर्गत आपके जमीन का टोटल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, आपके आधार कार्ड से लिंकअप होगा, जिससे कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि का किस्त भी आसानी से मिले। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जाएंगी उसमें आपको तभी लाभ मिलेगा जब आप किसान कार्ड बनवा लेंगे तो। ठीक है, साथ साथ दोस्तों यहाँ पे विशेष गाइडलाइन ये जारी की गई है कि यहाँ पे 18वीं किस्त का पैसा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास यहाँ किसान कार्ड मौजूद होगा। जिनके पास दोस्तों किसान कार्ड नहीं बना होगा उनको 18वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा, भले भी उनको पिछली 17 किस्त लगातार क्यों ना मिली हुई हो।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों एक फायदा ये भी है कि जिन लोगों का अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि का, या जिन लोगों का अभी कहीं से पेंडिंग है रजिस्ट्रेशन, दोस्तों इन सभी लोगों के लिए अब दिक्कत खत्म हो जाएगी, इनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, इनको दोस्तों यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।